फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा लेसन डेंटल हाइजीन, यानी कि दांतों की सेहत की हिफाजत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी पेशेंट सलीम है, क्योंकि हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है कि डॉक्टर कुरैशी सलीम को कहते हैं कि आप जो है इसके बाद, फिलिंग के बाद अपने दांत क्लीन कराएं। तो अब वो अपने दांतों को क्लीन करवाने आए हैं। कहाँ पर? दूसरे उनका जो सेपरेट रूम है वहाँ पर। तो अब हम उनकी यहाँ पर कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। इसमें एक करेक्टर है सलीम और दूसरे है जीना। तो अब सलीम कह रहा है हेलो, तो जीना जो लड़की है वहाँ पर जो दांत साफ करेगी कहती है हेलो मिस्टर खान, आई एम जीना। वो अपना इंट्रोडक्शन करा रही है, कहती है कि मिस्टर खान मैं जीना हूँ, आई विल बी क्लीनिंग योर टीथ टुडे। कहती है आज मैं आपके दांत साफ कर रही होंगी। तो सलीम आगे से कहते हैं डॉक्टर कुरैशी हैज जस्ट फिल्ड टू कैविटीज़। कहते हैं कि डॉक्टर कुरैशी ने अभी अभी जो दो खुला थी, टू कैविटीज़ थी, उनको फिल किया है, भरा है। वाई डू आई नीड अ क्लीनिंग? अब वो कह रही हैं कि सवाल कर रहे हैं उससे कि मुझे सफाई की ज़रूरत क्यों है। जीना आगे से अब जवाब दे रही हैं, वेल वी हैव टू गेट योर टीथ एंड गम्स क्लीन एंड डिजीज़ फ्री। कहती है कि हमें आपके जो टीथ और गम्स हैं, यानी कि आपके दांतों को और आपके मसूड़ों को साफ करना है और उन्हें डिजीज़ फ्री, बीमारी से बिल्कुल हमने फ्री यानी कि पाक साफ कर देना है। सलीम अब क्या कह रहे हैं, आई गेस दैट मेक्स सेंस। कहते हैं कि अच्छा, अब मुझे बात समझ में आई है, मेरा ख्याल है। जीना अब आगे से कह रही हैं, ओरल हेल्थ लीड्स टू ट्रबल फ्री टीथ। कहती हैं ओरल हेल्थ, ओरल कहते हैं मुंह की जो हेल्थ होता है, सेहत, कि मुंह की जो हमारी सेहत है लीड्स टू, वो हमें लीड्स यानी कि हमारी रहनुमाई करती है किस तरफ, टू ट्रबल फ्री टीथ, कि हम दांतों की जो ट्रबल है, तकलीफ है, बीमारी है, उससे हर तरह हम फ्री रहें यानी कि आज़ाद रहें। आई विल स्टार्ट ऑफ बाय रिमूविंग प्लैक। कहती है कि मैं स्टार्ट करूँगी रिमूविंग, होता है साफ करना। प्लैक, प्लैक कहते हैं दांतों पर जो मैल की तह जम जाती है उसे कहती है। अब आपके दांतों पर जो जमे हुए मैल से मैं शुरू करूँगी। प्लीज़ लीन बैक एंड ओपन वाइड। कहती हैं कि मेहरबानी करके आप लीन टेक लगा लें बैक पीछे की तरफ, एंड ओपन खोलें, वाइड होता है वसी यानी कि आप अपना पूरा मुंह खोलें। सलीम अब कह रहे हैं ओके, आई होप इट इज़ नॉट टू बैड। अब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने जा रहा है। जीना, अब जीना क्या कहती हैं, एवरीबॉडी गेट्स ब्लैक। कहती हर शख्स के दांतों पर ये मैल की तह जो है वो जम जाती है। इवन दे फ्लॉस रेगुलरली, अगर वो बाकायदगी से अपने दांत फ्लॉस करें यानी कि साफ करें। फ्लॉस का मतलब होता है कि एक रेशमी बारीक सा धागा होता है, तो उस धागे की थ्रेड की मदद से जब कुछ लोग अपने दांत साफ करते हैं ना, क्लीन करते हैं, रेशमी सा धागा, तो उसको कहते हैं फ्लॉस। कहती कि अगर वो रोज़ाना अपने दांत बाकायदगी से ब्रश से या धागे से क्लीन भी करें ना, तब भी उनके दांतों पर जो है प्लक यानी कि ये जो तय है वो जम जाती है। दैट्स वाई, इसी वजह से इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कम इन ट्वाइस अ ईयर फॉर चेकअप। कहती है कि ये बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन साल में दो दफ़ा मुआयने के लिए आना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी इंसान क्लीन कर ले फिर भी तह जम जाती है। सलीम अब क्या कह रहे हैं, गेटिंग हिज टीथ क्लीन्ड कांट से मच। अब वो, क्योंकि उनके दांत साफ़ हो रहे हैं ना, तो वो दांत साफ़ कराते हुए इसलिए वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनके मुंह ओपन है और वो दांतों पे काम हो रहा है, इसलिए चुप ही रहती हैं, बस बातें सुन रहे हैं। जीना अब क्या कह रही है, ओके प्लीज़ टेक अ ड्रिंक एंड रिंस। कहती है कि आप यहाँ से एक घूंट पानी का भरें, एंड रिंस होते कुली करना, कंगालना कहती है, और यहाँ पर कुली कर दे। सलीम क्या कह रही है, ओह दैट्स बेटर। कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत बेहतर है। अब वो जब कुली किया तो उन्हें फील हुआ है कि वाह मेरे दांत तो अब मुझे बहुत बेहतर लग रहे हैं।
जीना अब कहती है, ओके ठीक है, नाउ आई विल अप्लाई सम फ्लोराइड। कहती है, अब मैं आपके दांतों पे कुछ फ्लोराइड लगाती हूँ। विच फ्लेवर वुड यू लाइक? कहती है कि कौन सा जो फ्लेवर है, फ्लेवर जायके को कहते हैं, कौन सा जायका आप पसंद करेंगे? सलीम अब आगे से कहते हैं, आई हैव अ चॉइस, कि क्या मेरे पास चॉइस है, यानी कि इंतखाब का ऑप्शन है मेरे पास, इंतखाब का हक है मेरे पास। तो जीना आगे से कह रही है, श्योर, यकीनन, वी हैव, अब वो अपने बता रही हैं कौन कौन से फ्लेवर हैं, वी हैव मिंट, स्पीयर मिंट, ऑरेंज एंड बबल गम, दैट्स फॉर द किड्स। अब वो बता रही हैं कि हमारे पास मिंट है, यानी कि पुदीना है, स्पीयर मिंट है, ऑरेंज माल्टा है, बबल गम जो बबल होती है वो फ्लेवर, लेकिन वो साथ एंड पे बबल गम के साथ ये भी कह रही हैं, दैट्स फॉर द किड्स, ये बबल गम का फ्लेवर ना बच्चों के लिए है। तो अब सलीम आगे से कौन सा कहेंगे, कहते हैं आई वुड लाइक टू हैव दी बबल गम, हाँ हाँ, मतलब कहते हैं कि मैं भी बबल गम का फ्लेवर ही पसंद करूँगा, और साथ वो कहका भी लगाते हैं, क्योंकि वो बच्चों वाला फ्लेवर पसंद कर रहे हैं ना, इसलिए वो साथ ही हंसते भी हैं। जीना अब क्या कहती हैं, ओके अप्लाइज फ्लोराइड। अब जीना कहती हैं कि ठीक है, मैं फ्लोराइड लगाती हूँ, नाउ अब लेट मी गिव योर टीथ अ फाइनल फ्लॉसिंग। कहती है कि अब मुझे आपके जो दांत है ना, आखिरी फाइनल, यानी कि इसको जो आखिरी फ्लॉसिंग के रेशमी जो धागा है उससे मैं साफ करूँगी। सलीम कहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फ्लॉस टेप डू यू रिकमेंड इट? कहते हैं कि आप कौन से टाइप का जो है फ्लॉस, यानी कि आपको मैंने बताया कि रेशमी धागे को कहते हैं, हम उसे टाइप पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इसकी भी टाइप्स होती हैं। कहते हैं कि फ्लॉस टेप डू यू रिकमेंड, कि आप मुझे कौन सी किस्म के जो फ्लॉस है वो तजवीज़ करेंगी। तो जीना आप कहती हैं, पर्सनली, ज़ाती तौर पर, आई लाइक फ्लैट टेप। कहती हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर ना चपटा टेप जो है ना वो पसंद है। इट्स ईजियर टू गेट बिटवीन द टीथ, कहती है क्योंकि ये जो है ना दांतों के दरमियान ले जाना ज़्यादा ईजियर होता है, आसान होता है। तो सलीम आप कह रही हैं, ओके ठीक है, आई विल रिमेंबर दैट द नेक्स्ट टाइम आई बाय फ्लॉस। कहते हैं कि मैं आई विल रिमेंबर दैट, मैं ये याद रखूँगा नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा आई बाय फ्लॉस, कि जब मैं फ्लॉस जो है ख़रीदूँगा। तो हाउ ऑफन शुड आई फ्लॉस? अब वो एक और सवाल सलीम कर रहे हैं कि कितनी दफ़ा हमें जो है ना फ्लॉस करना चाहिए, यानी कि अपने दांत साफ करने चाहिए। तो जीना अब क्या कह रही हैं, एवरी डे, वो कह रही हैं रोज़ाना, ट्वाइस अ डे इफ़ पॉसिबल। कहती हैं बल्कि रोज़ाना क्यों, एक ही दफ़ा क्यों, अगर मुमकिन हो तो दिन में दो दफ़ा भी। सम पीपल लाइक टू फ्लॉस आफ्टर एवरी मील, कहती कुछ लोग जो है ना हर खाने के बाद भी फ्लॉस करते हैं, यानी कि अपने दांत साफ करना पसंद करते हैं, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी। कहती लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, यानी कि एटलीस्ट एक दफ़ा तो वो कह रही है लाजमी करें, या दो दफ़ा कर लें, हर खाने के बाद करना ज़रूरी नहीं है। तो सलीम अब क्या कह रही हैं, आफ्टर फिनिशिंग द क्लीनिंग, जब सफाई ख़त्म करने के बाद, आई फील मच बेटर, कहते हैं कि मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूँ। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। जीना आगे से कहती हैं, माई प्लेयर, कि मुझे भी खुशी हुई, हैव अ प्लेजेंट डे, अच्छा दिन गुजारें, एंड रिमेंबर टू फ्लॉस एवरी डे, और कहती है कि फ्लॉस करना रोज़ाना याद रखें, एट लीस्ट वंस अ डे, कहती कम अज़ कम दिन में एक दफ़ा तो लाजमी आप जो हैं फ्लॉस करें, यानी कि अपने दांत साफ ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन डेंटल हाइजीन, यहाँ पर हमारा लेसन फिनिश होता है।